बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेडीज एंड जेंटलमैन वेरी वार्म वेलकम टू 74थ मॉड्यूल ऑफ द लेसन सिक्स आज हम हावी लेबेसियंस एक्स एफिशिएंसी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे हावी साहब ने एक्स एफिशिएंसी थ्योरी पर इसलिए बात की कि उनके मुताबिक न्यू क्लासिकल थ्योरीज के अंदर उस तरह का आईडिया नहीं था जिस तरीके की डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में या डेवलपमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ज़रूरत थी यानी उनके मुताबिक ये था कि ये जो मॉडल है यानी नॉन एक्स एफिशिएंसी का यानी आपकी लेबर है और एक आपका एम्प्लॉय है उसके बाद एम्प्लॉय है और आपका इंडिविजुअल है फिर उसके बाद उन्होंने ये आइडिया डिस्कस किया कि आपके पास कितनी किस्म की आप एफिशिएंसी डेवलप कर सकते हैं सो आप ये नहीं कर सकते कि कंप्लीट एफिशिएंसी आपके पास आए तो आप सिलेक्टिव एफिशिएंसी या सिलेक्टिव रैशनल की तरफ जा सकते हैं या कंप्लीट रैशनल की तरफ आप नहीं जा सकते so यहां पर जब वो आइडिया आया तो ही कम अप विद द न्यू इज एक्स एक्स एफिशिएंसी और एफिशिएंसी के बाद उन्होंने एलोकेटिव थेरी के ऊपर बात की या एलोकेटिव एफिशियंसी के ऊपर बात की लेकिन हार्वी साहब की ये डेफिनेशन जो है यहां बड़ी इंपॉर्टेंट रही तो हम इसके ऊपर क्या डिस्कस करेंगे यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकंड इट वुड पॉसिबल फॉर द फार्म टुडे आर मैक्सिमाइज देर आउटपुट सो आप कंक्लूड करते हैं इस बात को यहां पर आ, यानी अंडरस्टैंडिंग तक कि आपकी जो सिलेक्टिव रैशनल है यानी एक इंडिविजुअल अपने सिलेक्टिव रैशनल तक जा सकता है कंप्लीट रैशनल तक नहीं जा सकता उसका एक फैक्टर है एक सर्टेन स्टैंडर्ड है जिस तक वो एफिशिएंसी दे सकता है और उसके मुताबिक आउटपुट मिल सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही इंसान के साथ जो है वो होलिस्टिक आउटपुट डिमांड करें ऐसा पॉसिबल है नहीं सो चुनाचे न्यू क्लासिकल थेरी को उन्होंने अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि मैक्सिमम रैशनलिज्म ये है कि आपके सिलेक्टिव रैशनल तक रहा जाए ना कि आप कंप्लीट रैशनल की तरफ जाएं। सो so, आगे हम देखते हैं कि जब मॉड्यूल सेवेंटी फोर के अंदर आप देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट में एलोकेटिव एफिशिएंसी वो किसको कहते हैं सो लेस अंडरस्टैंड दिस कि एलोकेटिव एफिशिएंसी के अंदर और आ, आपकी एक्स एफिशिएंसी में फर्क क्या है एक्स एफिशिएंसी का फैक्टर ये है कि आपने इंडिविजुअल की और एम्प्लॉय की एम्प्लॉय की टोटल रिसोर्स कैपेबिलिटी कितनी है कैपेसिटी कितनी है उसके बाद इंडिविजुअल क्या है यहां पर मुझे यह समझाना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन माइंड जो है या इंसान जो है या इंडिविजुअल जो है जिसको आप ऑन्टरप्रन्य या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं वो किस चीज से ड्राइव होता है तो उसके लिए जी होप फर फर्स्टेशन इन चीन चीजों चार चीजों के साथ वो ड्राइव होता है अगर ये तीन या चार चीजें नहीं होंगी तो वो ड्राइव नहीं होगा या वो फियर से ड्राइव होगा या फर्स्टेशन से या होप से उम्मीद से इन चार पांच चीजों से अगर वो ड्राइव नहीं हो रहा तो उसकी एफिशिएंसी फैक्टर डेड हो जाएगा जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं सो so, अगर इकोनॉमिक्स में डिप्रेशन या रिसेशन आ सकते हैं तो इंसानी दिमाग जो है वो मोटिवेशन के बगैर अप नहीं होता उसके जो इंसेंटिव हैं वो पैसा भी हो सकता है अच्छा लॉस ऑफ पैसा भी हो सकता है जॉब का छिन जाना उसके लिए एक फियर डेवलप हो सकता है परफॉर्म करेगा सो बेसिकली ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मोटिवेट मौट, करके इंसान को यहां तक ले आते हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी देगा अब एक्स एफिशिएंसी ये कहता है कंप्लीट सिंगल लाइन समझ लीजिए कंप्लीट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर को एक्स एफिशिएंसी करते हैं यहां तक जी हमने ये समझ लिया अब आइए जी एलोकेटिव एफिशिएंसी आल्सो नोन एज एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक of an efficient market where capital is assigned in a way that is most beneficial to the parties involved. So, दूसरे टर्म में आप देखें कि हमने ये कहा कि जब एक्स एफिशिएंसी में आप देखते हैं कि हम एम्प्लॉयज सिलेक्टिव तरीके से बाय द हायरार्की और दूसरे तर्ज के अंदर अगर हम हॉरिजॉन्टल लैंग्वेजेस भी लगाएं तो जिसके पास जितना रिसोर्स और कैपेसिटी होगी उतने मुताबिक उसको एलोकेट किया जाएगा एलोकेटिव so, एफिशिएंसी यहां पर बताती है कि हम पार्टीज़ को इन्वॉल्व कर हैं तो जिसके और आउटसोर्सिंग भी कर लेते हैं तो जहां से जितना मैक्सिमाइज रिजल्ट आता है ऑप्टिम so की भी बहस को आप साथ रखेंगे तब हमें समझ आएगा कि एक्स एफिशिएंसी और एक्सई थे e, इन एफिशेंसी कुड़ नॉट बी एलोकेटिव वजह यह है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैंने आउटसोर्स करना है मैं कोई गत्ते का कारोबार कर रहा हूं या कागज बनाने का कारोबार कर रहा हूं तो मुझे आपके मैक्सिमम मीन टाइम के अंदर सात दिन के अंदर आपको रिजल्ट आउटकम आउटपुट देना है तो मेरा काम पांच दिन में मुकम्मल होना चाहिए और उसके लिए मुझे सप्लाईज उसके अरेंजमेंट्स उसकी डिवेलपमेंट्स और बाकी चीजें अगर फॉर एग्जाम्पल मीडिया की एग्जाम्पल दे देता हूँ तो मीडिया में भी अगर आपने डेली के हिसाब से प्रोग्राम करना है या आपने वंस एन ए वीक करना है तो उसके लिए भी आपको रिसोर्स एलोकेशन किसको देना है कौन प्रोग्राम में आपका जो है वो को पार्टनर होगा फिर उसके आपकी जो जस्टिफिकेशन और एविडेंस के लिए कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे एंड सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट जो बाकी आपकी कैबिन क्रू एंड कैबिन होता है वो कैसे डिवेलप होगा सो so, हर चीज की अरेंजमेंट के लिए आपको एलोकेटिव रिसोर्स चाहिए

Thank you very much.